तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं कार्वी के एक फॉर्म के बारे में बात कर रहा था। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से पिछले वीडियो को देख लो। उसमें मैं बताया हूँ कि पे आउट के डेट्स वगैरह क्या फ़ाइनल हुए हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो और पूरा आपको वीडियो समझ में आया कि ये फॉर्म कैसा है। तो फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगा। तो ये फॉर्म आया है, एक्चुअली जैसे ही आप अपना ये सिस्टम को लॉगिन करोगे तो आपको ये फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, ये इसमें बस ये दिया हुआ है कि आपके जो सिक्योरिटीज़ हैं, आपके जो शेयर्स हैं और आपका जो फ़ंड है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये आप देख रहे हो, ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ रहा है ये। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ ये फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या, फर्स्ट पढ़ लेते हैं। द करंट लेजर बैलेंस इज इन योर अकाउंट इज, ये यहाँ पे लेजर बैलेंस आ जाएगा। द फॉलोइंग आर सिक्योरिटीज दैट आर यू बाय, मतलब आपके अकाउंट में जो सिक्योरिटीज़ पड़ी होंगी वो आपका यहाँ पे उसके नाम आ जाएंगे कि जो आपके मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ी हुई हैं, जो शेयर्स पड़े। यहाँ पे मैं हाइड किया हूँ क्योंकि डिटेल्स शेयर करना अच्छा नहीं है, आप भी किसी से डिटेल्स शेयर मत करना। तो थर्ड बता रही है, ड्यू टू सर्टन टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम बैंक वी कुड नॉट इनिशिएट द ट्रांसफ़र ऑफ फंड टू योर बैंक टू अकाउंट, वी आर फॉलोइंग अप विद बैंक फॉर क्लियरिंग द सेम। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कार्वी का बैंक अकाउंट्स वगैरह फ्रीज हो गया था, जिसके वजह से वो पे आउट्स नहीं कर पा रहे थे और पे आउट्स में पहले से भी लिक्विडिटी क्रंच थी, इसकी वजह से पे आउट नहीं हो रहा था इनसे। तो यहाँ पे अब वो रीज़न दे दिए हैं कि इनके बैंक अकाउंट को फ्रीज हो लगने की वजह से ये फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो द सिक्योरिटीज़ आर करंटली विद आवर क्लियरिंग मेम्बर ICICI बैंक। इनका क्लियरिंग मेम्बर दो है, एक ग्लोब है एक ICICI बैंक है। इन वन ऑफ आवर डीमेंट अकाउंट ऑन विच टेम्पररी रेस्टिकेशंस हैव बिन प्लेस्ड बाय सेट और सैट और सेबी, कह रहा है कि जो इनके इनका जो क्लियरिंग मेंबर ICICI बैंक और उनके जो अकाउंट में डीमेट अकाउंट में सिक्योरिटीज़ पड़े हैं उस पर रेस्टिकेशंस लगने के वजह से सैट और सेबी ने जो रेस्टिकेशंस लगाया है वो स्टॉक्स को भी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे, वो स्टॉक्स को भी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि ये कुछ दिनों में वी एक्सपेक्ट दिस प्रोसेस टेक एट लीस्ट 20 to 25 days टाइम। मतलब ये कल आया है तो कल के से 20 से 25 दिन, मतलब मैं फरवरी तक कहा हूँ कि फरवरी तक आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप करता हूँ कि आप लोग को भी ये मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है ये फॉर्म तो प्लीज़ अपने लोकल ब्रांच से जाके ले लीजिए, और अगर मिल गया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप फॉर्म रिसीव कर लिए हो, और अगर नहीं मिला है तो कार्वी के लोकल ब्रांच में जाके ये फॉर्म का आप स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी ले लो, ये लो तो ये फॉर्म आप जाके दिखा दो वहाँ पे, तो कह दो कि ऐसा फॉर्म जो आप दे रहे हो सबको, ये ज़रूरी है, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आपके क्या शेयर्स पड़े, आपका कितना फ़ंड पड़ा है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।